जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ कि अगर कोई महिला आपके लिए रात में, जब आप रात्रि में आप सो रहे हैं, तो पहले आपके करें ये चीज़ें या उपाय, तो देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या असर होता है। महिलाओं से जुड़े कई तरह के टोने टोटके बताए गए हैं, जिन्हें सिर्फ महिला ही कर सकती हैं। माना जाता है कि इन टोटकों को करने से घर में, हाउस में, फ्लैट्स में साक्षात लक्ष्मी माता का वास होता है, और घर में, फ्लैट्स में, हाउस में रहने वालों का दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। दैनिक जीवन में उपयोगी टोटके, ज्योतिष, दैनिक पंचांग, दैनिक राशिफल, अगर आप महिलाएं या औरतें अगर घर में ये टोटके करें, तो आपके घर में स्वास्थ्य लाभ, शांति और सौभाग्यशाली आप हो जाएंगे। तो क्या है कि सूर्यास्त के ढलने के बाद यदि कोई बाहर का व्यक्ति आपसे दूध अथवा दही मांगे, तो आप बिल्कुल मत दें। कह दें, साफ मना कर दें कि हम दूध दही इस टाइम नहीं देते हैं। ऐसा करने से उस घर की लक्ष्मी दूसरे के घर में चली जाती है। तो ये महिलाओं और औरतों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी, मतलब शाम के समय किसी भी प्रकार भी कोई दही और दूध मांगे तो बिल्कुल मत दें। रात को सोने से पहले रसोई के सभी जूठे बर्तन, महिलाएं जो हैं ख़ास तौर से वही घर का काम करती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, तो धोकर तथा रसोई को साफ करके सोना चाहिए। इससे घर में, हाउस में, फ्लैट्स में वैभव, संपन्नता और शांति और स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है, अगर वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि रात को सोने से पहले ही आप बर्तन माँज के सोएं। सोने से पहले कभी भी बाल ना धोएं, बाल ना खोलें। जैसे आप सोने जा रहे हैं तो कभी भी बाल ना खोल के सोएं। दैनिक जीवन में आप जैसे हैं कि आप सोचें कि आप सो रहे हैं, सोने से पहले चलो बाल खोलकर सो जाएं, तो ये भी ठीक नहीं है। रात को सोने से पहले झाड़ू की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में छिपा कर रख दें, तो इससे आपके घर में बरकत, संपन्नता, खुशहाली सभी आएगी। सप्ताह में एक बार रात को सोने से पहले, वीक में एक बार आप जब रात में सोने से पहले घर में, हाउस में, फ्लैट्स में सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा लगभग 100 ग्राम से 250 ग्राम तक कमरे की साइज के हिसाब से सेंधा नमक अथवा काला नमक एक अखबार के ऊपर रखकर फर्श पर रख दें, बिछा दें अखबार में। एक कमरे में आप जो हैं थोड़ा सा लगभग 100 ग्राम 250 ग्राम कमरे के साइज़ के हिसाब से एक बार सप्ताह में सोने से पहले, तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी। सीधा नमक अथवा काला नमक एक अखबार के ऊपर रखकर फर्श पर रख दें। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए इस नमक को जो आपने अखबार में रखा है इकट्ठा करें और पास के किसी गंदे नाले में फेंक आएं। इससे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा, बीमारी, कठिनाइयां, परेशानियां सब बाहर निकलकर सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि किसी ने घर पर कुछ करवा रखा है या टोटका कर गया, कोई आपके मेहमान आए, आप तो बड़ी खातिर कर रहे हैं, हैं, और वो आपके घर में आके कंघा रख गया, वो आपके आपके घर में कुछ भी चिमटी रख गया, तो वो तो सब चीज़ें आप उठाकर फेंक दीजिए तुरंत ही। अगर कोई भी आपके घर में मेहमान आता है और आपकी ऐसी स्थिति करता है घर में आकर, तुरंत ही उसके सामान फेंक दीजिए। वो पता नहीं कुछ टुटका करके गया है, कोई रुमाल छोड़ के जा रहा है या कुछ भी, तुरंत उसे छोड़ फेंक आइए बाहर। और या तो जैसे ही जाने लगे तो साथ में सब देखते रहिए क्या कर रहा है, वो कर रहा है तो उसको तुरंत दे दीजिए, आपका सामान है ले जाइए साथ में। ये टुटके हैं मित्रों, आपके घर में झगड़े कराते हैं, परेशानियाँ पैदा करते हैं, कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। आजकल कोई रिश्तेदार नहीं होता है, सब सिर्फ पैसे के होते हैं, कोई देखकर खुश नहीं होता है। तो मित्रों, आप हमेशा सावधान रहिए, जबकि आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसको हमेशा निगरानी रखिए। और चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी बीमारी ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाइयाँ ना हो, तो आप एक नमक जो है वो अखबार में बिछा दीजिए 100 ग्राम 250 ग्राम और उसे पेपर में बिछा कर उसको आप जो है सुबह जब उठिए, रात को सो जाइए रात में,
फिर सुबह उठते ही वो जो आपकी जितनी भी कठिनाई या परेशानी है वो नमक ले जाएगा और वो नाले में जाकर फेंक आइए। और जो आपको आपके घर में किसी ने कुछ करवाया है, कठिनाइयाँ पैदा करके गया है, या आपने नकारात्मक ऊर्जा डाल के गया है, वो सब समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।